नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अशोक जी। अशोक जी, आपका एसएम न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद अशोक जी। एक बात बताइए कि आज एक एक्रोसिटी एक्ट है, वो बेसिकली होता क्या है और लोग उससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, वो ज़रूर बताएं। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि एट्रोसिटी एक्ट जो है, SC ST एट्रोसिटी एक्ट 1989, ये इसमें बहुत सारी जो सुरक्षा और उनके लिए कानून अनुसूचित जाति जनजाति के लिए बनाए, उसमें मैं सबसे पहले जो है, एक तो ये कि जहां आप काम कर रहे हैं, कहीं पर अगर आप अपना कोई अपने छोटा मोटा काम कर रहे हैं, दुकान लगाई है, कुछ लगाई है, आपको अगर वहाँ से कोई जाति के हिसाब से अगर कोई हटाता है तो उसके विरुद्ध आप उसमें जा सकते हैं। आपको कोई जातिगत गाली दे रहा है उसमें आप जा सकते हैं। किसी अनुसूचित जाति की महिला के साथ किसी दूसरी अपर कास्ट ने अगर रेप कर दिया, कुछ कर दिया, तो उसको उसके खिलाफ वो जा सकते हैं और फाइनेंशियल मदद उसमें अलग मिलती है। प्लस इसमें आपको गांव से निकालने के लिए, अगर गांव दबंगों ने कोई SC ST के परिवार हैं उनको गाँव से भगाने के लिए, ज़मीनों पर कब्जा करने के लिए अगर किया है, उसमें आप SC ST एक्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो सबसे अहम बात है कि एट्रोसिटी एक्ट में केवल केस दर्ज नहीं होगा, केस दर्ज होने के साथ साथ एक तो उसमें जमानत नहीं है जो दूसरा पक्ष है, और ACP लेवल का उसमें जो अधिकारी है वो इसमें अथोराइज है जो इन्वेस्टिगेशन के लिए, और फाइनेंशियल जो मदद है, अभी तो जो कोई घायल हो जाए या छोटी मोटी घटना हो जाए तो उसको 75,000 रुपये तक अभी मिल रहे हैं, और लेकिन अगर किसी का मर्डर हो जाए, जैसे कि अभी खुर्जा में एक भैंसोली गाँव है, वहाँ पिछले साल एक महिला को, गर्भवती महिला को, सफाई कर्मचारी महिला को पीट पीट के मार दिया था ठाकुरों ने, तो हमने उसके खिलाफ जब केस लगाया तो हमने 8,25,000 रुपये उसके परिवार को दिलाए, क्योंकि जो कुछ बहुत सारी चीज़ें तो एट्रोसिटी एक्ट में, कुछ अनुसूचित जाति आयोग ने, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने उसके प्रावधान किए हैं कि अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसको 8,25,000 रुपये उसके परिवार को मिलेंगे, और साथ में अगर किसी के दबंगों के द्वारा उनके घर जला दिए जाते हैं तो उनको पुनर्वास करना पड़ेगा और उनको साथ में फाइनेंशियल हेल्प देनी पड़ेगी, और SC ST एक्ट में ही मुकदमा दर्ज होगा। और यहाँ पर उल्टा ये हो रहा है कि जो दूसरे अभी कुछ हो जाता है, ऊंची जातियों से मर्डर हो गया SC ST का, या उनके घर जला दिए या कुछ कर दिए, झगड़ा कर दिया, तो वो IPC की धाराओं में करते हैं, जबकि वो बिल्कुल इलीगल है। IPC की धारा में नहीं, आपको SC ST एक्ट के उसमें करना पड़ेगा, और दूसरा फास्ट ट्रैक जो वो बनाने पड़ेंगे कोर्ट, इमीडिएट पूरे जिलेवार जहाँ पर, और वो घटना के हिसाब से, अगर कोई घटना हुई है उसको रजिस्टर्ड हुई है तो इमीडिएट वहाँ पर उस इलाके की न्यायालय में, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना पड़ेगा, और सरकार को उनको जो भी विक्टिम है उनको कानूनी सहायता फ्री मुफ्त, प्लस जो गवाह हैं उनको भी सुरक्षा और उनको फाइनेंशियल हेल्प और साथ में उनको कानूनी सलाह। और दूसरी बात, सबसे अहम बात इसमें एट्रोसिटी एक्ट में ये है कि मान लीजिए किसी गाँव में किसी अनुसूचित जाति के आदमी पे, जनजाति के आदमी पर, परिवार पर कोई एट्रोसिटी हुई है दबंगों द्वारा, तो वो उसको केवल केस नहीं दर्ज होगा, साथ में उसको वहाँ से हटाया जाएगा, उसको पुनर्वासित किसी और जगह किया जाएगा, वो इस वजह से कि वो दबंग क्योंकि बहुमत में है, ताकत में है, वो उसको प्रेशर दे करके कहीं उससे वो केस वापस करने के लिए, समझौता करने के लिए, और उसको केस कमज़ोर करने के लिए उस पर प्रेशर ना डालें, उसको डराए धमकाए नहीं, तो ये एक प्रावधान है कि उसको अलग से घर दे करके कहीं दूर जगह पर रख करके उनको उस केस को चलाया जाए, और जो पीड़ित है उसको न्याय दिलवाया जाए, और दूसरा जो पक्ष है जो जिसने ये एट्रोसिटी की है उसके खिलाफ ये वो हो। दूसरा, गांव से भगाने के लिए, गांव से अगर जमीन, जैसे अभी एक केस हुआ हमारा और राजस्थान से मुझे खबर मिली कि एक ही वहां पर वाल्मीकि परिवार था उस घर में, और वहां पर जैसे अभी विकास विकास कुछ हो रहा है तो वहाँ सड़क उनके घर से निकल गई, पीछे था परिवार वो, अब वो फ्रंट पे आ गया, तो वहाँ के जो दबंग थे, जिला वहाँ जो पंचायत है उसी का जो पंचायत का जो मुखिया है और उसके SDM वगैरह से मिल करके उसको भगाने में तुल गए, क्योंकि वो करोड़ों रुपए की ज़मीन हो गई, अब वहाँ पर दुकान उकान खोल के उनकी आर्थिक हालत ठीक होने लग गई, तो उनको भगाने के लिए एट्रोसिटी उनके ऊपर की, तो हमने यहाँ दिल्ली बैठे बैठे उनके विरुद्ध वहाँ पर भीलवाड़ा में हमने कार्रवाई की, मुख्यमंत्री को लिखा, तुरंत SC ST एक्ट दर्ज करने के लिए कहा, और वहाँ पर तुरंत उसको रिलीफ मिला और वो लोग आज आराम से रह रहे हैं, पूरा परिवार रह रहा है। और इसी तरीके से बुलंदशहर में एक दबंगों ने एक
वाल्मीकि परिवार के लड़के के ऊपर, उसको भी भगाने, एक ही परिवार था उसको भगाने की कोशिश की, और तो उसके ऊपर SC ST एक्ट मतलब उसको IPC में 302 क्या क्या धाराएँ लगा दी। हमने तुरंत सरकार को लिखा, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को और पुलिस को लिखा, और ऐसे इन्वेस्टिगेशन करवाई तो फॉल्स पाया गया और वो तुरंत धाराएँ हटाई गई, उनको रिलीज किया गया। तो इस तरह से SC ST एक्ट बहुत पावरफुल है। और 2016 में जो 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने, जनता दल सरकार ने जो बनाया था SC ST एक्ट, उसको 2016 में, फिर बहुत सालों से 2008 से मांग चल रही थी लगातार, तो 2016 में जो इसका जो मनमोहन सरकार ने 2013 में ऑर्डर किए थे, और 2016 में जो कमेटी नियुक्त हुई थी उसने एक नए प्रावधान करके और ताकतवर बनाया उसको और शक्तिशाली बनाया, और वो शक्तिशाली बनाने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कुछ चीज़ें चेंज की, मगर 2 अप्रैल के बाद वो पुनः रिइंस्टेट हो गया उसी सब रूप में। तो ऐसे हमारे जितने भी लोग हैं उनको घोड़ी पे ना चढ़ने दिया जाए, उनको गाड़ी में ना चढ़ने दिया, उनको किसी चाय की दुकान पर चाय ना पीने दिया जाए, जैसे अभी वहाँ पर साउथ में आज भी होता है कि वहाँ पर जो सड़क पर जो ढाबे हैं वहाँ पर भी उनको चाय नहीं दी जाती है, कि उनको पता चल जाता है कि भाई ये हमारे गाँव के अनुसूचित जाति के लोग हैं, चाय नहीं दी जाती है, और कई ठाकुरों के घरों के यहाँ से नहीं तो चप्पल हाथ में लेके आज भी चलते हैं। तो उन सब के विरुद्ध ये एट्रोसिटी एक्ट है, जमीनों को छीनने के लिए खिलाफ ये एट्रोसिटी एक्ट है। तो इस एट्रोसिटी एक्ट का प्रचार हमें बहुत तेजी से करना है। और आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि इस एट्रोसिटी एक्ट से संपूर्ण सुरक्षा भी, और फिर एक केस अगर दर्ज हो गया एट्रोसिटी एक्ट में तो जो परिवार या जो पीड़ित आदमी है उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है कि उसको सुरक्षा भी देनी है, फाइनेंशियल मदद भी करनी है, और उसको पुनर्वास भी करना है, और साथ में उसको कानूनी सहायता भी देनी है, ये जिम्मेदारी है। और आखिरी बात ये कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके जो जिसने जो मुजरिम है उसको तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करके उसको सजा दिलवानी, ये जिम्मेदारी है एट्रोसिटी एक्ट के अनुसार। आप थे अशोक अज्ञानी जी, बहुजन समाज के बहुत लोकप्रिय नेता भी हैं, और कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति इनसे मिलता है तो निस्वार्थ निसंकोच उसके तन मन धन से उसके साथ हो जाते हैं। और इन्होंने बताया कि एक्रोसिटी एक्ट बेसिकली होता क्या है, इससे बहुजन समाज के लोग इसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। SM News से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।